लिखो सेकेंड मेथड रैशनलाइजेशन। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड लगानी है। अगर फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है तो फैक्टराइजेशन लगा देंगे, अगर अब ऊपर नीचे अंडर रूट वगैरह कुछ आ रहा है रैशनलाइज करने की जरूरत है तो रैशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये लगाने से पहले, इनडिटर्मिनेंसी मेथड लगाने से पहले, हटाने के लिए मेथड्स लगाने से पहले ये लेकिन पता होना चाहिए हमें कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है और तुम जबरदस्ती वहां पे लगा रहे हो तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा वहां पे, तो पहले तो वो चेक करना होता है। वो तो हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं, मेथड टू रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन तो इसमें रैशनलाइज करते हैं हम, और जिसके वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है वहां पे उसको हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, फोर माइनस रूट 15x प्लस वन अपॉन टू माइनस रूट 3x प्लस वन। अब तुम यहां पे ये बताओ, क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या? यस सर, यस, 0/0 यस वाला सर, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब फैक्टराइजेशन तो इसमें होगा नहीं, इसमें देखो ऊपर में अंडर रूट नीचे में अंडर रूट, तो रैशनलाइजेशन ही है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? प्लस रूट फोर प्लस प्लस रूट है ना, फोर प्लस रूट 15x प्लस वन से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे में भी देख लो क्या आ जाएगा, फोर प्लस रूट 15x प्लस वन। फिर उसके बाद नीचे वाले के लिए हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा टू प्लस रूट 3x प्लस वन से, है कि नहीं? इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो, अब ये ए माइनस बी एन ए प्लस बी वाला फॉर्म ऊपर में बन रहा है, नीचे में भी ए माइनस बी एन ए प्लस बी वाला फॉर्म, ठीक है। अभी इसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है क्या बताओ, इस फैक्टर की वजह से, ये वाला? हाँ अबे इसकी नहीं, वजह से आ रही है क्या? ये दिख रहा है ना किसके नीचे में अंडरलाइन कर रहा हूं, या नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है सर, इसकी वजह से आ रही है क्या इनडिटर्मिनेंसी? नहीं नहीं। सर, यहाँ पे इसकी वजह से आ रही है क्या इनडिटर्मिनेंसी? नहीं सर, नहीं ऐसे इसमें तो क्या कर देना है, सीधा एक्स की वैल्यू पुट करके इसका आंसर लिख देना है, क्योंकि जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है उसको हमें हटाना होता है। अब इसके वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है, ये जब हम एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो पुट कर देंगे क्योंकि ये बार बार हमें लिखना ना पड़े आगे। तो ये देख लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पे ये कितना आने वाला है बताओ, ये वाला एट एट। एट एंड ये देख लो, ये ए माइनस बी एन ए प्लस बी वाला फॉर्म, तो ये फोर माइनस 3x माइनस वन, ऊपर में 16 माइनस 15x माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा, फोर, फोर, ठीक है। अब ये देखो ऊपर में से ये 15 माइनस 15x तो 15 बाहर, यहाँ पे 3 माइनस 3x तो 3 बाहर, तो ये 4/8, 15/3, ऊपर में 1 माइनस x, कैंसल आउट। तो जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही थी वो तो गए, अब तो सीधा आंसर ही है, कितना आता है ये 5/2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो नो सर। सर। तो लिख लो इसको जल्दी से, लिमिट एक्स
सर अगर सिर्फ नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा क्या? तो उसमें कहाँ हो पाएगा ये ऊपर वाला, तो फिर कैसे कैंसल आउट करोगे ऐसे फैक्टर जिसके वजह से इनडिटरमिनेंसी आ रही है, वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ओके सर। हो गया? यस सर। नेक्स्ट अब इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू, या एच टेंडिंग टू जीरो, तो जल्दी से करो। तो ये पहले का क्या आ रहा है? 1/2 √x। हाँ सही है सर। फर्स्ट का 1/2 √x है क्या? हाँ सही है। कितने लोगों का आ गया वो? ठीक है तो बहुत सारे लोगों के होंगे। ठीक है नेक्स्ट अगला। 0 कैसे? वो इनडिटर्मिनेंट नहीं है तो डायरेक्ट जीरो। डायरेक्ट जीरो, और वहां पे मैंने जीरो प्लस दिया, और अगर जीरो रहता सिर्फ तो क्या हो जाता? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? नेगेटिव एलएचएल वहां पे नहीं आ पाता।
LHL डिफाइन नहीं हो पाता उस वजह से। सही है। तो ये देख लो पहला वाला, अब जीरो एच टेंडिंग टू जीरो पे ये जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म आ रहा है। अब नीचे में तो कुछ नहीं रैशनलाइज करने के लिए, बस ऊपर में बचा हुआ है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये कर देंगे, है कि नहीं। नीचे में एच, अब इसकी वजह से तो इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही है, एच टेंडिंग टू जीरो पे टू रूट एक्स बन जाता है, तो इसकी तो वैल्यू हम लिख देंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे। ऊपर में देखो ये ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाला फॉर्म, तो एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा, नीचे पुट कर देना यहाँ पे एच, तो ये एच टेंडिंग टू जीरो, तो टू रूट एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एच, तो ये एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया। अब ये जो बचेगा ऊपर में वो एच बचेगा, मैं टू रूट एक्स इंटू एच, तो ये एच एच अगेन कैंसल आउट, तो इनडिटर्मिनेंसी हट गई एंड फाइनल एच टेंडिंग टू जीरो पे, तो यही आंसर आने वाला है टू रूट एक्स। ठीक है, क्लियर है ये, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही नहीं है, क्योंकि जब हम एक्स की जगह पे जीरो प्लस पुट करेंगे जीरो माइनस पे, तो वो नॉट डिफाइन आ जाएगा, LHL तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन में जीरो प्लस गिवन है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। अब वो आएगी क्या, तो ये जीरो और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे नीचे में टू, तो ये जीरो बाय टू बनेगा, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही नहीं है, तो ये फाइनल आंसर इसका जीरो ही रहेगा। ठीक है, अगले वाले का बताओ। 1/4 into under root a minus b, हाँ सही है। तो इसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो है, x टेंडिंग टू a जब लेंगे तो जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म आएगा, तो हमें रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा ऊपर वाले को, तभी कुछ कॉमन फैक्टर वगैरह वहां पे बनेगा। तो रैशनलाइज जब हम कर देंगे तो उसके लिए डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, या डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं रैशनलाइज करने के बाद क्या आता है, क्योंकि ये बार बार कहां लिखे इतना मल्टीप्लाई ए माइनस बी वाला फॉर्म, ये आ जाएगा एक्स माइनस बी माइनस ए माइनस बी, है कि नहीं। एंड नीचे में जब उसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एंड ये क्या आने वाला है अंडर रूट एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी, इससे ही तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये आया। अब इसमें तो एक्स टेंडिंग टू ए पुट कर देंगे, एक्स टेंडिंग टू ए, अब ये ऊपर में कितना बच रहा है बी बी कैंसल आउट होके एक्स माइनस ए, यहाँ पे ये एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और ये आ जाएगा टू रूट ए माइनस बी। तो देखो इन फैक्टर्स की वजह से, एक्स माइनस ए की वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही थी तो वो गया। अब सिंपली एक्सटेंडिंग टू ए जब पुट करेंगे तो ये टू ए इंटू ये आ जाएगा, दैट इज 1/4 ए इंटू रूट ए माइनस बी। क्लियर, कोई डाउट इसमें अब रैशनलाइजेशन में? नो सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करना होता है, एंड देन अगर है तो फिर उसको कैसे हटा जाए। तो अभी हमने दो तरीके देख लिए, कौन से, फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन, वो दिख जाता है। रैशनलाइजेशन तो क्वेश्चन में दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे तो रैशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा, जब अंडर रूट वगैरह चीजें आ रही है तो। ठीक है, हो गया। किसी का बाकी है क्या लिखना ये? ठीक है, तो अब तीसरे इसके ऊपर आ जाते हैं हम।
अब अगला वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग एक्सपांशन सीरीज. नेक्स्ट है बाय यूजिंग एक्सपांशन सीरीज. अब उसके पहले तो एक्सपांशन सीरीज क्या होती है पता होना चाहिए. फिजिक्स में बताया गया है क्या इसके बारे में? नहीं सर. चलो तो ये एक्सपांशन सीरीज आती है टेलर सीरीज से आती है. टेलर एक था, तुम इंजीनियरिंग में जाके देखोगे उसका, उसने क्या कहा था, किसी भी फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश जीरो. ये डेरिवेटिव है, एफ डैश जीरो एफ डबल डबल डेरिवेटिव और एक्स की जगह पे जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स ट्रिपल डैश एक्स क्यूब इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन थ्री फैक्टोरियल. ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा. तो किसी भी फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा उसने कहा था एक्सपांशन सीरीज में. ठीक है, तो इसी से हम एक्सपांशन सीरीज निकालते हैं किसकी, सबसे पहले e की पावर x की. तो तुम बताओ अब f ऑफ जीरो कितना आएगा? वन. वन. फिर उसके बाद पहले f डैश x बताओ कितना आएगा, f डैश x e to the power x. और x की जगह पे जीरो पुट करोगे तो f डैश जीरो कितना हो जाएगा? जीरो. अब ये मारो इसको कोई पकड़ के. कितना आएगा प्रथमेश? वन आएगा सर. वन आएगा ना. हाँ तो ये f डैश जीरो इसमें क्या हो जाएगा, जब e की पावर x ले रहे f of x को तो वन, एंड देन ये x into वन upon वन फैक्टोरियल, तो x by वन फैक्टोरियल. फिर अगला f डबल डैश, पहले तो f डबल डैश x बताओ कितना आता है? e to the power x. x की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो वन. वन. तो ये f डबल डैश जीरो भी वन आने वाला है, तो ये x स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे x क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा. तो ये हो गई e की पावर x की एक्सपांशन सीरीज. क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर. और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस सीरीज में, कि इसका इसका आंसर बताओ क्या है, वन प्लस वन बाय वन फैक्टोरियल, वन बाय टू फैक्टोरियल, वन बाय थ्री फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, इसका आंसर बताओ क्या है. तो क्या लिखोगे? ई. ई एक्स की जगह पे वन पुट करने के बाद वो आता है. तो ये भी ध्यान रखना कि सीक्वेंस सीरीज में भी अगर कोई आर्बिट्री सीरीज रैंडम सीरीज आ रही है तो उसमें एक्सपांशन सीरीज की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, दिमाग में रखना. तो जैसे अगर ये सीरीज आ रही तो इसका आंसर ये आ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं. फिर उसके बाद है सेकेंड, लॉग ln, log क्या ln ही ले लेते क्योंकि ln का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ln 1 plus x का एक्सपांशन बताओ. पहले तो अब ln 0 कितना आएगा, मतलब ये f of x से है तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 0. 0. 0. फिर इसका डिफरेंशिएशन बताओ, f dash x कितना आने वाला है इसमें? 1 upon 1 plus x. x की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो वन है कि नहीं? तो ये तो चलो जीरो आ गया उसमें f ऑफ जीरो. ये अगला वाला क्या आ जाएगा, x है कि नहीं? फिर ऐसे ही f डबल डैश निकालो, जल्दी करो बताओ f डबल डैश x क्या आएगा. फाइनली वैसे हमें ये याद ही रखना है सीरीज को सारे, लेकिन अगर मान लो बाई चांस तू भूल गए तो टेलर तो याद ही होनी चाहिए किसी भी हाल में, उसी से ये बाकी सारे हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो पहले f डबल डैश x निकाल लेते. तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर ये आएगा है कि नहीं?
तो ये देख लो, अब यहाँ पे x की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये माइनस वन, तो f डबल डैश जीरो माइनस वन आने वाला है, तो माइनस और ये एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल का टू, टू फैक्टोरियल को टू भी लिख सकते हैं। जब अगला तुम निकालोगे ट्रिपल डैश तो उसमें आ जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, क्योंकि जब वो एफ ट्रिपल डैश निकालोगे तो वो रहता है टू अपॉन वन प्लस एक्स का क्यूब, तो टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल मीन्स टू अपॉन सिक्स, तो वन बाय थ्री बन जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। ऐसे ही फिर अगले वाले में एक्स की पावर फोर बाई फोर, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यही सवाल शायद तुम्हारे किसी में आया होगा, ये किसने पूछा था मेरे को, किसने पूछा था ये, सार्थक ने, मतलब ये सीरीज थी ये वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर अप टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आता है, तो देख लो x की जगह पे अगर हम इसके एक्सपांशन में x की जगह पे वन पुट करेंगे तो वही मिल रहा है हमें, है कि नहीं, तो उसका आंसर आ जाता है ln 2, ठीक। क्लियर है? हाँ सर। तो ये तो हटाओ अभी, तो ये हो गई सेकेंड एक्सपांशन सीरीज, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ये हो गया? यस सर, यस सर। अब उसके बाद ये ln 1 माइनस x की भी बता सकते हो ना तुम लोग? हाँ सर। क्या करेंगे? x की जगह पे माइनस x, x की जगह पे माइनस x पुट कर देंगे, e की पावर माइनस x की भी बता सकते हैं, x की जगह पे माइनस x, तो वो नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ जाओगे ना, कि अगर मान लो क्वेश्चन में e की पावर माइनस x है तो e की पावर x के इसकी हेल्प हम कैसे लेंगे एक्सपेंशन की, x की जगह पे बस माइनस x पुट कर देना हर जगह। थर्ड है, अब थर्ड एक्सपेंशन सीरीज है साइन x की, तो पहले तो f ऑफ जीरो बताओ कितना आएगा, जीरो जीरो, एफ डैश एक्स कॉस एक्स एंड कॉस जीरो वन, मतलब ये एक्स आने वाला है। अगला एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, एंड एफ डबल डैश जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, तो वो तो अगला वाला जीरो, एक्स स्क्वायर के साथ जीरो मल्टीप्लाई हो रहा तो वो जीरो। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, तो उसमें जीरो पुट करेंगे तो माइनस आएगा वहां से, तो ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल माइनस के साथ, देन प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा इंफिनिटी तक। क्लियर है? तो जल्दी से कॉस एक्स की बताओ, तो cos x में पहली टर्म क्या आती है बताओ, वन, फिर दूसरी माइनस x स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, फिर उसके बाद x की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, ठीक है। फिर ऐसे ही tan का बताओ, तो tan x,
पहली टर्म x, अगली बताओ जीरो। अबे मतलब अगली टर्म क्या आएगी, क्यूब आएगी, स्क्वायर आएगा, ये पूछ रहा हूँ। एक्स क्यूब क्या आएगा, स्क्वायर वाला तो जीरो हो जाएगा, क्यूब वाला क्या आएगा? तो वो करते रहना, तो याद ही रख लेना फिर इसको, एक्स क्यूब बाई थ्री एंड फिर x की पावर 5 का जो आता है 2/15, ठीक है 2/15, तो ये tan x का है, ठीक है। फिर सिक्स, 1 + x^n, हाँ तो वो 1/3/15 कैसे चलेगा? कौन सा वो पैटर्न, उसमें तो क्या है पैटर्न नहीं समझा हमें, f कितना, फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ा यहाँ पे और उसमें जीरो पुट करना पड़ा, तो वो फिफ्थ डेरिवेटिव f, फिफ्थ डेरिवेटिव 0/5, उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 2/15 आता है, तो अब वो कितना करे, उससे बढ़िया याद ही रख लो अब इसको तो, ठीक है सर। पैटर्न क्या है उसमें? पैटर्न तो पता नहीं, अब देखना पड़ेगा पैटर्न, ऐसा कोई अगला वाला तो नहीं बता सकते हैं। और 7 पावर 7 की जरूरत पड़ती भी नहीं है, मैक्सिमम जब यूज करते हैं हम एक्सपेंशन सीरीज का वो पावर 5 तक का होता है, ठीक है, पावर 5 तक ही जा सकते हैं मैक्सिमम, उसके आगे जरूरत ही नहीं पड़ती जाने की। तो अगर इसके पहले 3-3 टर्म भी याद रखोगे हर एक के तो काफी इनफ है। फिर उसके बाद 1 + x^n जब मॉड एक्स लेस देन 1 है, तो ये हमने किस में देखा है वैसे इस तरीके की चीज, सम ऑफ इनफाइनिटी। अबे थोड़ा सोच समझ के ना, पावर n वगैरह है, बाइनोमियल में, बाइनोमियल में इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 + nx + n (n-1)(x)/2, है कि नहीं, (n-1)(n-2)(n-2)/3(x)² इस तरीके से चलता जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइन इनवर्स की भी सीरीज आती है, उसके भी पहले एक दो टर्म याद अगर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो वो हम देख लेते हैं। उसके पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देख लो, हम एमओडी में देखने वाले इसके बाद वाले टॉपिक में। यहां तक लिख लिया? यस सर। ठीक है, वो इनवर्स वाले का ज्यादा यूज नहीं है लेकिन क्वेश्चन मिलेंगे कहीं ना कहीं पे तो तुम्हें मिलेंगे, तो एक्सपेंशन की जरूरत पड़ सकती है, तो उस उधर देखने के बजाय अभी देख लो। ये पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 − x^2, कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1/-1/√1 − x^2 एंड टैन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 + x^2। ये 3 डिफरेंशिएशंस अभी के लिए, तो इनके सीरीज लिखने के लिए याद रख लो। तो पहले आ जाएगी, कौन सा नंबर चल रहा है अभी, 7th। तो 7th में साइन इनवर्स एक्स की हम बात करते हैं, तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा, साइन इनवर्स 0 फिर उसके बाद एफ डैश 0 कितना आएगा, 1। तो ये x/2 factorial से शुरुआत होगी इसकी, है कि नहीं। फिर उसके बाद अगली टर्म, इसका डेरिवेटिव करो,
इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, मेरे ख्याल से आता होगा ना अब इसको डिफरेंशिएट करना, क्योंकि अब हमें एफ डबल डैश एक्स चाहिए, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, डेरिवेटिव लिख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ये, इसका ये, इसका ये, तो एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स है तो एफ डैश एक्स तो क्या आने वाला है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एफ डबल डैश एक्स ये आ जाएगा माइनस, ये जब ऊपर जाएगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय टू नीचे, ये इसकी पावर में वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में थ्री बाय टू, और इसका आगे डिफरेंशिएशन तो ये माइनस टू एक्स, तो ये माइनस टू गया, तो ये एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में थ्री बाय टू, तो ये बताओ एफ डबल डैश जीरो कितना आ जाएगा, जीरो जीरो वो तो गया, अब क्यूब के ऊपर, बस अब इसकी दूसरी थर्ड टर्म ही लिखते, फिफ्थ तक नहीं जाएंगे, एफ ट्रिपल डैश जीरो ट्रिपल डैश एक्स पहले, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल पहले एक्स का होगा एंड देन इसका जब करेंगे तो ये देख लो ये माइनस, वैसे ये जीरो ही आने वाला है, दिख रहा है ना, क्योंकि ये एक्स वहां पे है कि नहीं, ये एक्स वहां पे है, इसकी वजह से इसका जब हम आगे इसका डिफरेंशिएट भी करेंगे इनटू में, लेकिन एक्स है तो एफ ट्रिपल डैश जीरो जब हम निकालेंगे तो वो कितना आता है, वन ने जीरो, क्लियर है ये, हाँ सर, तो क्योंकि एक्स इंटू ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने वाले थे एंड बाद में एक्स की जगह पे जीरो ही पुट करना है तो क्यों ही करे इतना, सीधा एक्स की जगह पे जीरो पुट करके पूरा जीरो हो जाएगा, तो अगला वाला जो आने वाला है एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, ऐसे ही पैटर्न दिख रहा है अब, बताओ, यस सर, क्या आएगा अगला, एक्स रेस टू फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल, एक रेस टू फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल, तो ये है, तो साइन इनवर्स, फिर उसके बाद एट कॉस इनवर्स आएगा, तो देख लोगे तुम लोग, कॉस इनवर्स का तो रहने दो, टैन इनवर्स का ही लिख लेते हैं सिर्फ, कॉस इनवर्स का तो तुम इस प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय टू होता है ना, तो कॉस इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो उससे भी तुम कॉस इनवर्स को डील कर सकते हो, ठीक है, तो एक ही याद रखो साइन इनवर्स वाला, अब tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स जीरो, tan इनवर्स जीरो जीरो, फिर उसके बाद f डैश जीरो कितना आएगा उसका, अगर ये f ऑफ x tan इनवर्स x है तो f डैश x जो आएगा वो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहां से f डैश जीरो बताओ वन, तो ये x, फिर उसके बाद एफ डबल डैश एक्स, तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पहले ये वन प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस वन, तो माइनस वन नीचे, इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन, एंड एफ डबल डैश जीरो जो आता है वो जीरो, तो वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी, ट्रिपल डैश, तो इसमें देख लो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बाद में ये एक्स बचा रहेगा एंड नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो वो तो जीरो पुट करने के बाद जीरो ही आने वाला है वो पूरा, है कि नहीं, तो ये एक तरीके से कितना आ रहा है माइनस टू, तो देख लो माइनस टू जब पुट करेंगे तो वो आ जाता है एक्स क्यूब बाई थ्री, तो ऐसे ही अगला निकालेंगे तो एक्स की पावर फाइव बाई फाइव ये तुम्हें मिलता जाएगा, तो ये है, अब ये मैंने किया क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा था तो डिफरेंशिएट करके देख लिया, तो अब याद नहीं आएगा तो कैसे करना है, क्लियर है, बताओ, आवाज आ रही है सर, हाँ सर आ रही है,
सर। हाँ बोलो प्रथमेश। हाँ सर वो फैक्टोरियल चला गया, वो नहीं समझा फैक्टोरियल कैसे गया। अरे वो अभी तो ये निकाला ना हमने f डैश जीरो, f ट्रिपल डैश जीरो कितना निकाला, माइनस टू है कि नहीं। हाँ सर। तो इसमें पुट कर दो ना आप f ट्रिपल डैश जीरो माइनस टू, तो ये थ्री फैक्टोरियल कितना होता है, वन इंटू टू इंटू थ्री, तो टू टू गया तो बचा तो थ्री नीचे है ना, तो माइनस वन इस तरीके से। तो अगर याद नहीं रहेगा तो इस तरीके से करेंगे। अब इसका ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन एक आध क्वेश्चन तो, एक दो क्वेश्चन है मॉड्यूल में, तो इसकी वजह से लिखवा दिया इसको। ठीक है तो याद नहीं रहेगा तो पहले दो टर्म निकाल लो किसी भी इसके, फिर उसके बाद एक पैटर्न मिल जाता है, भले वो टैन में पैटर्न नहीं मिला लेकिन बाकियों में तो मिल जाएगा। ठीक है और एक लास्ट वाला उसको तो लिख लो डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन। वैसे अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो बताया हुआ है क्या, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल? नो सर। तो इसमें डिफरेंशिएशन करते लॉग लेके, अब उसमें नहीं जा रहे हम, इसका सीधा तुम लिखो एक्सपेंशन क्या आता है, e into 1 minus x by 2 plus 11 by 24 into x square, काफी है इतना up to infinity, ये इसका expansion है। ठीक है तो ये 9 एक्सपेंशन सीरीज है जो हमें याद रखनी है। और अगर मान लो बाई चांस भूल गए तुम गलती से वो भी भूल सकते हो, ठीक है, वैसे तो याद ही होनी चाहिए, भूल गए तो तरीका तो क्लियर है ना सभी लोगों को? यस सर। चलो एक बार देख लो ये सारी सीरीज फिर से। अब ये सीरीज इसलिए भी याद होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है सीक्वेंस सीरीज का, जिसका कोई हम मतलब सीक्वेंस सीरीज में जो मेथड्स हमने देखे हैं या जो एपी जीपी एचपी देखा उससे वो नहीं बनने वाली होती है, तो उसमें फिर ये एक्सपेंशन के बारे में सोचना होता है। तो ये देख लो अगर लिखा हुआ है 1 - 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, ये किसके इक्वल आएगा? साइन वन। साइन वन। हो गया? Yes, sir. ठीक है तो लिखो क्वेश्चन अब इसके ऊपर। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो Thank you.
चलो ये पहला वाला देख लो अब कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले तो बताओ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है क्या? हाँ सर, जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म आ रहा है। अब इसमें तो e की पावर x के हमें एक्सपांशन सीरीज पता होती है, तो उसकी हेल्प ले लेंगे। तो देख लो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e की पावर x 1 + x + x² बाय 2 फैक्टोरियल x³ बाय 3 फैक्टोरियल, काफी इतना। नीचे में x² है तो मैक्सिमम x³ तक ही जाओ, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। -1 - x डिवाइड में x², तो ये देख लो 1 और x तो कैंसल आउट हो गए, है कि नहीं? अब ये बताओ जो न्यूमरेटर में चीज बची उसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? x² बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल, x/3 फैक्टोरियल, आगे के सारे टर्म्स में x रहेगा, है कि नहीं? आगे के सारे इसमें x रहेगा, और फाइनली x टेंडिंग टू जीरो है, तो उसको लिखने का कोई मतलब था क्या? नहीं। तो ये देख लो, अब ये पहले तो इनडिटर्मिनेंसी हटानी है, तो इनके वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही वो कैंसल आउट हो गया। अब x की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो आंसर कितना है 1/2, क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर हम हो गया? अथर, भार्गव, लक्षिका, यस सर, विधि, यस सर। चलो तो लिख लो इसको। अगले वाले का बताओ, सेकंड का 1/3, हाँ सही है, सही है। लास्ट वाले का 1/2, फर्स्ट 1/2 आ गया ना। सेकंड, थर्ड का एक बार सोचो। और हाँ, ये एक्सपांशन सीरीज भी तभी यूज करनी है जनरली, ये जो x होते हैं ना टेंडिंग टू जीरो बहुत छोटे होते हैं, तभी एक्सपांशन सीरीज का यूज करना है लिमिट में। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना, ये एक्सपांशन सीरीज तो है हमारे पास, अब लिमिट में उसका यूज कब करेंगे? जब x टेंडिंग टू जीरो इस तरीके की चीजें आ रही होगी तब, ठीक है, तभी करना है। e/2 आता है थर्ड का। सेकेंड में देख लो x टेंडिंग टू जीरो था, मीन्स एक छोटा है तो एक्सपांशन सीरीज की इसका यूज हम लिमिट में अब कर सकते हैं। तो tan x के एक्सपांशन सीरीज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, tan x का क्या आ जाता है x + x³/3, अगला वाला है 2/15 × x^5, काफी है इतना, माइनस में x / x³, तो ये x x गया, ऊपर से x³ बाहर आ जाएगा और नीचे वाले के साथ कैंसल आउट, तो ऊपर में बचा है 1/3 + 2/15 × x² एंड आगे सब में x रहेगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे आगे वाले सारे जीरो और 1/3 बचेगा, ठीक है। फिर थर्ड में लिमिट x टेंडिंग टू जीरो छोटा है, x एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, 1 + x^1/x / ये x² या x है, ठीक है। अब इसकी एक्सपांशन सीरीज देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ये e - e(1 - x/2) + अगला क्या है इसमें 11/24 × x² आगे पावर बढ़ती जाएगी, ये x, तो e कैंसल आउट हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e ((- ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x/2 - 11/24 × x
स्क्वेयर, ठीक है। अब ऊपर से देखो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा और कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे में x है उसकी वजह से, तो इनडिटर्मिनेंसी हट जाएगी और बचता क्या है अब, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e इंटू 1/2 माइनस 11/24 इंटू x, तो x टेंडिंग टू जीरो पे तो आगे वाला सारा जीरो, तो e by 2, क्लियर है? कोई डाउट इसमें अब? नो सर। ठीक है, और भी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें अगले वाले फॉर्म देखने पड़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन से बनने वाले, स्टैंडर्ड लिमिट वाले, उसके थ्रू भी इसके क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये बताओ इन तीन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब और भी क्वेश्चंस है जो प्योरली एक्सपेंशन से बनने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस भी रहते हैं, एक्सपेंशन सब्स्टिट्यूशन इनका मिक्सचर, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं हम जो प्योरली एक्सपेंशन से बनते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए इंटू ई की पावर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू, अब लिमिट की वैल्यू ही हमें गिवन है, हमें लिमिट की वैल्यू नहीं निकालनी, अब वो गिवन है। ये पहले वाले तीन क्वेश्चंस क्या थे, उसमें लिमिट निकालनी थी, अब गिवन है, अब यहाँ पे ये ए एंड बी निकालने हैं, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब ये देख लो कैसे डील करेंगे इसको। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली एक्सपेंशन की ही हेल्प ली जाती है, ये देख लो एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो वो लगा सकते हैं हम। अब किस तरीके से लेंगे, तो ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया, तो ये ए इंटू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टर, इतना काफी है क्योंकि नीचे एक्स है, तो इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे वाले सारे टर्म्स वो एक्स कॉमन लेके कैंसल आउट होने के बाद जीरो आने वाले हैं, माइनस बी अपॉन एक्स। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ, एक्स के टर्म्स को एक साथ, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लाएंगे, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी आ रही है ऊपर में, दो ए माइनस बी है कि नहीं, फिर उसके बाद ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू टू फैक्टोरियल बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ये आगे चलता जाएगा इंफिनिटी तक, डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को इंडिविजुअली एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो देख लो एक्स से डिवाइड करने के बाद ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए माइनस बी बाय एक्स प्लस ए, अगले वाले में ए बाय टू फैक्टोरियल इंटू एक्स, एंड आगे के तो टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू फाइनली जीरो है तो वो जीरो आने वाले हैं, और इज इक्वल टू टू। अब तुम ये बताओ लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, तो इससे हमें एक चीज यहाँ पे ये पता चलती है, पहले तो ये चीज बता दूं, ये अगर हमने नॉन जीरो ले लिया, ए माइनस बी अगर नॉन जीरो ले लिया, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट कितनी आएगी, इनफाइनाइट। क्या वो फाइनाइट आएगी क्या, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना उस केस में, लेकिन अब हमें यहाँ पे लिमिट तो फाइनाइट गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये a माइनस बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो, जीरो, a माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा, ताकि फिर ये टर्म ही नहीं आएगी यहाँ पे, a माइनस बी अगर जीरो हो गया तो फिर नॉट डिफाइन होने की बात ही नहीं बनती है कि नहीं। एक तो चलो हमें ये मिल गया, तो इसकी कहानी तो खत्म, क्लियर है ना, ये कैसे डिसाइड किया हमने कि a माइनस बी जीरो होगा, क्योंकि लिमिट की वैल्यू फाइनाइट गिवन है, लिमिट की वैल्यू फाइनाइट गिवन है, और एक्सटेंडिंग टू अगर हम जीरो यहाँ पे लिख रहे हैं एंड इसको नॉन जीरो लेते हैं, तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तब तो वो लिमिट फाइनाइट आ ही नहीं पाएगी,
तो इसके लिए लिमिट फाइनाइट आने के लिए a माइनस बी का जीरो होना मस्ट है, तो a माइनस बी जीरो। अब उसके बाद x की जगह पे जीरो पुट करने के बाद आगे के तो जीरो, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना मिलने वाला है, टू। तो a टू मिल गया तो b भी कितना आ जाएगा, टू। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज निकाली जाती है। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। फिर से एक बार सुन लो, यहाँ पे e की पावर x का एक्सपेंशन किया हमने, फिर कांस्टेंट टर्म को एक साथ, x को एक साथ, x स्क्वायर को एक साथ ऐसे अरेंज किया ऊपर में, ठीक है। अब ये जो नीचे में x आ रहा था उसको इंडिविजुअली डिवाइड किया हर एक को, तो इसको देखते हुए हमें ये तो पता चल रहा है कि a माइनस बी जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a माइनस बी जीरो नहीं होता है तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, और इन्फिनिटी जाएगा तो लिमिट तो फाइनाइट आ ही नहीं पाएगी, तो इसकी वजह से ये जीरो। अब ये हमें मिल गया एक रिलेशन ए एंड बी में। अब उसके बाद ये आगे में तो x टेंडिंग टू जीरो पे तो सारे जीरो होने वाले हैं, तो बचता है सिर्फ a, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू, तो b भी टू। ठीक है, लिखो। सर नेक्स्ट पेज दिखाना। अच्छा, मेरे क्यों दिक्कत आ रही है क्या आवाज में अथर? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली है ना वो लैग हो रहा है स्क्रीन, तो मेरे तरफ का नेट अच्छा है या आपके तरफ का नेट अच्छा है? ये तो बाकी लोग बता पाएंगे। लैग हो रही है क्या स्क्रीन? अभी क्लियर है सर। हो रही थी क्या बीच में? सर अब तो क्लियर है ना? लेकिन हाँ सर अब तो ठीक है, तो बीच में हो गया था। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके ऊपर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एडवांस में भी, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर तो एडवांस में, एक्सपेंशन सीरीज का इस तरीके के एप्लीकेशन के ऊपर। जब एक्सरसाइज 3 सॉल्व करोगे तो दिख जाएंगे। इसके पहले ही अगला क्वेश्चन लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक्सटेंडिंग टू जीरो, ए प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस सी इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू, देन फाइंड ए बी सी, देन फाइंड ए बी सी। देखते कितने लोग करते अब इसको सॉल्व, और जल्दी।
सही है साइमा। और किसी का आया? सही है अमोघ। बाकी लोग जल्दी। और किसी का नहीं आ रहा है क्या? फोर माइनस फोर जीरो। हाँ, फोर माइनस फोर जीरो, सही है। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे एक्सपेंशन तो हमें यूज करना है, कॉस एक्स का एंड साइन एक्स का। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए प्लस बी इंटू ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, इतना काफी है इसके इसमें। ठीक है, साइन के इसमें एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, इतना काफी है। ठीक, नीचे में ये एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू ये टू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अब कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ लेंगे तो वो है ए प्लस बी, फिर एक्स के कोएफिशिएंट को एक साथ लेंगे तो वो है सिर्फ सी। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर के इसको एक साथ लेंगे तो वो है माइनस बी बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। देन आगे का तो क्या है, एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर, वो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक एक्स क्यूब वाला लिख लो, माइनस सी अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू। अब एक्स स्क्वायर से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, ये सी इंटू एक्स था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये a प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये c अपॉन एक्स माइनस बी बाई टू फैक्टोरियल माइनस सी बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स, इस तरीके से चलता जाएगा और इज इक्वल टू टू है। तो ये एंड इसके आगे वाले सारे टर्म्स तो जीरो होने वाले एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, उसका तो रोल खत्म हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, अगर हमने a प्लस बी को जीरो नहीं लिया तब तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन हो जाएगा तो लिमिट तो फाइनाइट आ ही नहीं पाएगी, तो इसका मतलब a प्लस बी को क्या होना चाहिए, जीरो, है ना, a प्लस बी को जीरो होना चाहिए, एंड c को भी क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो। अब उसके बाद ये किसकी वैल्यू टू आने वाली है, ये जीरो हो गई इसकी, ये भी खत्म हो गया। अब एक्सटेंडिंग टू जीरो पुट करने पे बचता क्या है, माइनस बी बाई टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू, तो वहां से b की वैल्यू कितनी, माइनस फोर, तो b की वैल्यू माइनस फोर आ गई, तो a की वैल्यू कितनी, फोर। तो इस तरीके से a इज इक्वल टू फोर, b इज इक्वल टू माइनस फोर एंड c इज इक्वल टू जीरो, ये हमें मिलता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। लिख लो जल्दी से, और एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम में पूरा लिमिट आने वाला है क्या? हाँ सर। और हाँ, नेक्स्ट वीक से एक चीज भी बतानी है। चलो फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए, हो गया ये।
सर।